रानी धन मारू परवाना पढ़ लेती है तो अपनी बांदी रतन कमार को नर सुल्तान के पास भेजती है। नर सुल्तान समन ब्रज पे सोया हुआ था तो बांदी उसे कोड़ा मार कर जगाती है और सुल्तान से कहने लगी कि तेरे देश के चार चोरों ने रानी मरवण के घर चोरी की है। तो इस बात को सुनकर नर सुल्तान असमंजस में पड़ जाता है और बांदी के साथ महल में आ जाता है। तो दोस्तों रानी मारू उसे परवाने दिखाकर इस बात के द्वारा क्या कहने लगी भला, मेरे परवाने पढ़ के रानी के मैं दुखा पार रहा सुल्तान वीर तेरा धन मारू ने अब इतबार रहा ना परवाने पढ़ के रानी के दुख का पार रहा ना सुल्तान वीर तेरा धन मारू ने अब इतबार रहा तक पाचा कहते लोग नगर बाट तक पी हर तेरी छपी कहानी दुनिया भर में सबका सार रहा ना सुल्तान वीर तेरा धन मारू ने अब इतबार रहा
अपने में वो ही जाने जिसके बीते तन गया सुल्तान दाग तन ला दिया छतरा पण में और क्यों पढ़ के सोवे राज भवन में तेरा घर बार रहा सुल्तान मीर तेरा धन मारू अमित बार रहा ना बुराई खाली भगत सिंह बस्ती मेरा मन सा पाप करे साजन बदनामी घर घर जाली मेरे नरवरगढ़ से चला जाइए तन रोवे वीर बिहाली तने अपने हाथों खो दिखाई और हम पे भार रहा ना सुल्तान वीर तेरा धन मारू मैं अब इतबार रहा जाके लेवेगा और कवर निहाल नहीं पावे तू चित जाके टोवेगा और वीर कहे इस पन्नी का दंड जन कहां देवे बार रहा ना और परवाने पड़े के रानी के दुखा पार रहा ना सुल्तान वीर तेरा धन मारू ने अब इतबार रहा ना।